हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास परफेक्ट प्लेट। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये है स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स की रेसिपी, या जिसे हम चाउमीन भी कहते हैं। तो चाउमीन खाना तो सबको बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चे, इवन बड़े, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस यही स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल ईजी, बहुत ही लिमिटेड सामान के साथ। कभी कभी हमें नूडल्स खाने का मन करता है, बट स्ट्रीट पे वो हाइजीनिक नहीं रहता है, तो बस घर पे बनाइए झटपट से और खाइए। तो चलिए देखते हैं इस झटपट वाली रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें अपने नूडल्स बॉईल करने होंगे, जिसके लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें डाल दिया है नमक और ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने, ताकि जो हमारे नूडल्स हैं वो बॉईल करते करने के बाद चिपके नहीं। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नूडल्स के ब्रेक। तो मैं यहाँ 2 नूडल्स के ब्रेक डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने लगभग 2 लीटर पानी लिया है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखें, वरना नूडल्स बॉईल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल लें, ऐसे जैसे मैं फोक की हेल्प से खोल रही हूँ। वैसे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही खुल जाएगा, ये देखिए। तो जैसा आपके पैकेट पे मेंशन हो, या फिर 5 से 7 मिनट के लिए आप इस नूडल्स को बॉईल कर लीजिए। वैसे हर पैकेट पे लिखा होता है कि आपको नूडल्स कितनी देर बॉईल करने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और ये देखिए, मैंने इस नूडल्स को लगभग 4 से 5 मिनट बॉईल किया है और ये ऑलमोस्ट डन है। इसे 100% कुक बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे 90% तक ही निकाल दीजिएगा। जब आप उंगली से तोड़ के देखें ना नूडल्स को, तो उसके बीच में एक वाइट सी लाइन दिखनी चाहिए, बस उतना ही हमें अपने नूडल्स को बॉईल करना है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ और ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लूँगी। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया था, इसमें डाल दिया है प्याज, और ये जो कुकिंग करनी है हमें, इसको बिल्कुल फुल फ्लेम पे रखिएगा। देखिए, ऑयल डाला है, प्याज डाला है, बस हल्का सा प्याज को मिक्स करना है। कुछ भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रंची सारी सब्जियां होनी चाहिए। और इसमें डाल दिया है गार्लिक और चिलीज़। तो गार्लिक और चिलीज़ आप ऑयल में पहले मत डालिएगा, उससे ना उसका टेस्ट चला जाता है, गार्लिक बर्न हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले अनियन डालिए, उसके बाद इसमें गार्लिक और चिलीज़ डालिए। बस हल्का सा मिक्स कीजिए, थोड़ा सा, लगभग 10 से 20 सेकेंड्स। उसके बाद इसमें डाल दीजिए बाकी की सब्ज़ियाँ, जैसे कैप्सिकम। तो मैंने यहाँ एक कैप्सिकम को काट के डाला है, लंबा लंबा, सारी सब्ज़ियाँ मैंने लंबी लंबी काट के डाली हैं। और इसके बाद डाल दिया इसमें पत्ता गोभी। आप इसमें कैरेट्स भी ऐड करिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया है। आप ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी नूडल्स में। इसको बस मिक्स करना है, लगभग 30 सेकेंड्स के लिए फुल फ्लेम पे पकाइएगा। और ध्यान रखिएगा, फ्लेम बिल्कुल फुल होनी चाहिए। आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्जियां सॉगी हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। और इसके बाद लगभग 30-40 सेकेंड के बाद इसमें डाल देंगे हम अपने नूडल्स। तो जैसा मैंने कहा, नूडल्स को मैंने स्ट्रेन करके फिर एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था बड़े प्लेट में। और यहाँ मैंने नूडल्स डाल दिए हैं और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नूडल्स मिक्स करने में, बट ईज़िली हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे सॉसेस, जैसे रेड चिली सॉस। तो जो स्ट्रीट स्टाइल मिलते हैं ना नूडल्स में, सॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ गया रेड चिली सॉस प्लस सोया सॉस, सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा, अच्छे से कलर के लिए वो स्ट्रीट स्टाइल वाला। और इसके बाद जाएगी ग्रीन चिली सॉस और फिर विनेगर। तो विनेगर और सोया सॉस अच्छे से डालिएगा, साथ में जाएगा टमाटो केचप। सारी क्वांटिटी मैंने कितनी यूज़ की है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद डाल दिया है मैंने इस पर गरम मसाला, लगभग 1 टीस्पून जितना, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो आप ब्लैक पेपर पाउडर क्रश करके, फ्रेशली क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर और नमक। तो रेड चिली पाउडर से थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और नमक टेस्ट के लिए। तो हम जो स्ट्रीट पे खाते हैं ना नूडल्स, वो थोड़े स्पाइसी होते हैं प्लस डार्क कलर के होते हैं, तो इसीलिए रेड चिली पाउडर ज़रूर डालिएगा। और सोया सॉस भी अच्छे से डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, अगर आपका 1 स्पून से मिक्स नहीं हो रहा है तो ऐसे 2 स्पून लगा के इसको उठा उठा के मिक्स कर लीजिए। मेरा थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप एक आध ब्रिक बनाएंगे तो वो आप ईजीली हो जाएगा। तो अच्छे से टाइम देके इसको मिक्स करिएगा। मिक्स करते वक्त आप फ्लेम जो है वो मीडियम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कच्ची सब्जियां बचा ली थी ऊपर से गार्निश करने के लिए, ये देखिए। तो मैंने नूडल्स में ऊपर से डाल दिए अनियन, कैप्सिकम और कैबेज, थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि एक क्रंच बना रहे हमारे नूडल्स में। इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ये देखिए।
तो ये इसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होता है, और स्ट्रीट स्टाइल जो नूडल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डलती हैं, यही कुछ सॉसेस और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो अजीनोमोटो डाल सकते हैं, बट वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। तो हमारे नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही लंबे लंबे और यमी नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। स्ट्रीट स्ट्रीट पे जो नूडल्स मिलते हैं उसका कलर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर से मैं कहूँगी सोया सॉस अच्छे से डालिएगा। और ये लीजिए, हमारे यमी स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, अच्छे से गार्निश कर दिया है मैंने इनको। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो ज़रूर मिलती रहे। और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।